जामिया वाले देख रहे हैं, जामिया वाली मौजूद है बिहार के चंपारण बस्ता गांव में, बस्ता पंचायत में। देख सकते हैं बाल मुखिया का जो कि वोट वो कैंपेन चल रहा है वार्ड में, वो दिखा रहा हूँ। और ये बाल मुखिया अपने घर की तरफ जा रहा है, काफी एक तरह से समर्थकों में जोश है। और एक तरह से विधायक का इलेक्शन है, उस तरह से यहाँ पर जन सलाम आप देख सकते हैं, लगभग 1500 का भीड़ है। और इस तरह से 1500 की भीड़ है और काफी बड़ी तादाद यहाँ पर जनता इनको सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नज़ारा आप देखकर एक तरह से काफी समझ सकते हैं कि एक तरह से लहर चल रही है। बड़ी तादाद में उनके साथ यहाँ आए उनके घर पर, थोड़ा सा एक मिनट क्या कहना चाहेंगे, इतना मोहब्बत, इतना आपको आशीर्वाद दुआएं मिल रहा है हर समाज का। और लगभग 1500 के भीड़ तादाद में आपको डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इतना दुआ आशीर्वाद मोहब्बत मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं जनता से? लोगों का स्नेह और प्यार है और अपने कर्म पर विश्वास है, शुरू से विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय का काम करते आए हैं, इसलिए इस बार भी इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है, लोगों को विश्वास है इसलिए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लगातार आप जीत रहे हैं और इस बार भी जिस तरह से लहर, इतना मतलब कि जन सैलाब, घर घर से लोग निकल रहे हैं, जैसे कि कहीं आप कोई सामाजिक काम करने जा रहे हैं, सामूहिक काम करने जा रहे हैं, उस तरह से एक तरह से लड़ी लगा है आपके पीछे हर तबका की, क्या कहेंगे? जी जी, कुछ चीजें विकास की अधूरी रह गई है, जो लोगों को विश्वास है कि अगर विकास के कामों को 80% क्या कहना चाहेंगे, इतना मोहब्बत, इतना परफुलूस आशीर्वाद दुआ मिल रहा है इकबाल साहब को, क्या कहना चाहेंगे? हमको यही कहना है, पहले मैं द्वारका प्रसाद है और ये इकबाल साहब जो है वो एक कर्मठ करता है और सोशल वर्कर है, इनको आशीर्वाद मिलेगा। और इतना मतलब कि एक तरह से विधायक का जो इलेक्शन होता है, उस तरह का स्तर का जन समर्थन मिल रहा है, आप बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, एक तरह से गांव-गांव का लोग, टोला टोला का लोग इनके पीछे आ रहा है, क्या कहेंगे? इनके पीछे इनका सोशल वर्कर है, इनका काम जो है इनके पीछे पीछे लोगों को घुमा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो और भी इनके भी क्या कहना चाहेंगे? इतना तो मैं मतलब ऑल ओवर बिहार में मतलब कि मैं कवर कर रहा हूँ न्यूज पंचायत इलेक्शन का, इतना जन समर्थन भी मैंने नहीं देखा, क्या कहना चाहेंगे इतना जन समर्थन मिला? इसका सबूत यह है कि 20 साल पीछे से ही बस्ता का मुखिया है और गांव के एकता हिंदू मुस्लिम को मिलाकर चलना, इस तरह से गाँव का पंचायत का विकास करना, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं उसका सबूत आपके सामने है। ऐसे मुखिया को और काफी एक तरह से मैं कह सकता हूँ, थोड़ा एक माइक आपसे ले लूंगा, एक तरह से आप इनके प्रस्ताव खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? इतना मोहब्बत, इतना पुरखुलूस, लोगों का दुआ आशीर्वाद है। और जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, खैर वो तो समझ रहे क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितने छोटा बड़ा सब तबका को लेकर साथ में चलते हैं और इनसे लोग प्रभावित हैं और सब लोग कहना है कि ना फिर यही दोबारा इन्हीं लाना है, बहुत उम्मीद है, इसलिए बिना कहे सुने सब लोग इनके साथ में जुड़े हैं, किसी को कोई कहने नहीं गया, अपने आप लोग देख देख के आता गया, जुड़ता गया एक जोश जुनून के साथ में, ऐसा कर्मठ आदमी फिर नहीं मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम समर्थक हैं और जो कि इकबाल मुखिया जो कि उनके मैं द्वार पर हूँ, तमाम रैलीज को मैं कवर किया हूँ अब तक पंचायत इलेक्शन का, इतना भारी जन समर्थन देखा है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में एक तरह से डोर टू डोर भाजपा पंचायत में यहाँ पर इकबाल मुखिया जो हैं वो एक तरह से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद, हर समाज हर तबके के लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे दादाजी? कितना जन समर्थन, मोहब्बत, प्यार और सब बड़े बुजुर्ग का दुआ मिल रहा है।
उनका नाम विकास पुरुष के रूप में रखा गया जो बिना भेदभाव के स्वच्छ छवि से इंसाफ करते हैं और अपना परिवार में कभी भेद नहीं किया है। हमारा 20 बरस से इनका हमने 20 बरस में यह अनुभव किया है कि इन्होंने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने जनता की सेवा की है, इसलिए इनका नाम विकास पुरुष के रूप में रखा जाए, यह मेरा मांग है। एक ये भी हो सकता है कि आने वाला समय में भाजपा पंचायत को एक तरह से आप लोग भी वॉइस होगा कि आदर्श पंचायत बन जाए। अगर सरकार सहयोग करे तो हमारे मुखिया जी इस बात के सक्षम है कि आदर्श पंचायत बन जाए, लेकिन सरकार सहयोग करे तब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम वर्ग के लोग हैं और एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद यहाँ पर एक तरह से सामाजिक लोग और एक तरह से क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के मुखिया जी जो बाल मुखिया जी हैं डोर टू डोर कैंपेन करे तमाम तबके के लोग तमाम जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एक ईसाई सब है भाई भाई। अकबाल मुखिया 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं जीतते आ रहे हैं। पूरी पंचायत के लोग के कहना है कि जब तक अकबाल मुखिया रहेंगे वही मुखिया हम लोग बना के रखेंगे। अकबाल मुखिया पे नहीं रहने के बाद लोग एक दूसरे से लड़ाकर हम लोग को बिखार देंगे, इसीलिए पूरे हिंदू मुस्लिम भाई जुट कर अकबाल मुखिया फिर जीत। कहना साज है मेरी जिंदगी, प्यार का मोहताज है मेरी जिंदगी, हंस लेते हैं दुनिया की दिखाने के लिए, दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। चलिए हो गया। उनके एक तरह से सहयोगी हैं और काफी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना जनसैलाब, इतना दो आशीर्वाद। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे इकबाल मुखिया आज 20 बरस से गरीब बूढ़ा और बड़े छोटे ना हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चले हैं और हमारे बस्ता पंचायत को जिला विकास में चमकाए हैं और अच्छा से अच्छा ये जितने गरीब बूढ़ा है सब एक साथ फिर मिल गए हैं और घर घर से निकल कर सब इकबाल मुखिया के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम एक तरह से समर्थक हैं, उनके काम को एक तरह से सराह रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि और एक तरह से तमाम गंगा जमुनी तहजीब बास्टा पंचायत बास्टा गांव में बना रहे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण, बास्टा पंचायत बास्टा गांव से।